नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2023 का करंट अफेयर, आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाली क्लास होने वाली। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों 16 अगस्त 2023 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हो। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। दोस्तों सभी क्लासेस यहाँ पे बेहतरीन होने वाली है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले होने वाले हैं। 16 अगस्त 2023 का करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ने वाले सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए समान रूप से क्या है दोस्तों, उपयोगी होने वाली है। और दोस्तों यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो नवीनतम अपडेट्स के लिए। दोस्तों आज यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों मोटिवेशन लाइन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों निरंतर उठो और जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होते हो अग्रसर रहे दोस्तों, और जब तक लक्ष्य के लिए प्राप्ति करते हैं अग्रसर रहना चाहिए दोस्तों, जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दोस्तों मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, निरंतर मेहनत करिए अपने लक्ष्य की ओर अगर सही है, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों इसी आशा के साथ दोस्तों पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों बात करते हैं हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों बात करते हैं कौन सा संस्करण था, तीसरा संस्करण था किसका। दोस्तों यहाँ पे खेलो इंडिया के तहत जूनियर महिला हॉकी लीग की बात हो रही है यहाँ पे, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, बेंगलुरु, नई दिल्ली, राजस्थान और कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, नई दिल्ली इसका राइट आंसर है कि 2023 में। दोस्तों यहाँ पे 2023 में कौन सा संस्करण था, थर्ड संस्करण यहाँ पे किसका था, खेलो इंडिया। दोस्तों यहाँ पे खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, जिसका आयोजन कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया। और दोस्तों ये कौन सा था, थर्ड संस्करण यहाँ पे था जो दोस्तों कहाँ पे, नई दिल्ली की जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दोस्तों उसमें इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। मतलब 100% आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला क्वेश्चन है, आपकी तैयारी को 100% यहाँ पे दोस्तों चार चांद लगाने वाला क्वेश्चन है, मतलब स्टार्क लगाइए आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला है। यहाँ पे दो नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हाल ही में भारत का पहला मेट्रो स्टेशन दोस्तों जिसने यहाँ पे कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल को प्रारंभ किया। दोस्तों कौन सा रेलवे स्टेशन में बात करते हैं, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली और मुंबई। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, सी अर्थात जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है दोस्तों, नई दिल्ली दोस्तों रेलवे स्टेशन नहीं मेट्रो स्टेशन की बात हो रही है दोस्तों, मेट्रो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, ये देश का पहला मेट्रो स्टेशन बनाया जो दोस्तों जिसने कार्बन लाइट मेट्रो स्टेशन पहल को प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों यहाँ पे, कार्बन जो उत्सर्जन है उसको यहाँ पे कम करने के लिए क्या करना जागरूकता यहाँ पे प्रदान करना, जो मेट्रो के जो दोस्तों यहाँ पे टोकन दिए जाते हैं, बात करते हैं मेट्रो के टोकन में दोस्तों, ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शित करना कि वहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन किस प्रकार यहाँ पे कम किया जा सकता है, साथ ही मेट्रो में जो निर्देशिका होती है उसमें दोस्तों यहाँ पे बताया जाना कि कार्बन का उत्सर्जन किस प्रकार से कम किया जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे अवेयर कार्बन उत्सर्जन के प्रति यहाँ पे उसको कम करने के लिए दोस्तों उसको अवेयर इसके माध्यम से यहाँ पे अवेयर करना या दोस्तों जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। मतलब 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि एनवायरनमेंट से संबंधित यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल दोस्तों किस मेट्रो स्टेशन ने प्रारंभ की, तो नई दिल्ली जो मेट्रो स्टेशन है दोस्तों इस प्रकार ये भारत का पहला मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करने तीन नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने किसके सहयोग से प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर एक जन औषधि केंद्र यहाँ पे प्रारंभ करने की योजना की। दोस्तों बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग और आयुष मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, सी इसका राइट आंसर होने वाला है कि नीति आयोग के सहयोग से दोस्तों यहाँ पे रेलवे मंत्रालय ने दोस्तों किसके सहयोग से, नीति आयोग के सहयोग से प्लस रेलवे मंत्रालय दोस्तों यहाँ पे, नीति आयोग और रेलवे मंत्रालय दोनों ने मिलकर यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे जन औषधि केंद्र खोलने की यहाँ पे योजना शुभारंभ किया गया। तो बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे 50 रेलवे स्टेशनों को यहाँ पे सूची तैयार की गई, जो जहाँ पे दोस्तों जन औषधि केंद्र यहाँ पे खोले जाएंगे। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, सस्ते दामों पर यहाँ पे जेनरिक जो दवाइयां हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए
दोस्तों यहाँ पे नीति आयोग और रेलवे मंत्रालय के सहयोग से यहाँ पे दोस्तों जो सस्ते दामों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। और 50 जो रेलवे स्टेशन है भारत के उन रेलवे स्टेशनों को यहाँ पे चुना गया है जहाँ पे जन औषधि केंद्र यहाँ पे खोले जाएंगे। मतलब 100% दोस्तों आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि ये 100% दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की और बात करते हैं तो हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब, दोस्तों बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों यहाँ पे आईटी हब की बात हो रही है, तो कहाँ पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। उसका राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश में देश, उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ है दोस्तों यहाँ पे लखनऊ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों देश का सबसे बड़ा आईटी हब की बात हो रही है यहाँ पे। और वो दोस्तों कौन सा सबसे बड़ा और किसका दोस्तों, देश का, भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दोस्तों आईटी हब स्थापित किया जा रहा है। मतलब 100% दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। पांच नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर उन्नत फ्रीगेट विंध्यनगिरी का यहाँ पे शुभारंभ किया गया दोस्तों, किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे किया गया। और क्या है दोस्तों, किसका शुभारंभ किया गया, उन्नत फ्रीगेट जो विंध्यनगिरी है उसका शुभारंभ किया गया, तो कहाँ पे किया गया, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका बी इसका राइट आंसर है कि कोलकाता में दोस्तों हाल ही में द्रौपदी मुर्मू है जो दोस्तों भारत की क्या है राष्ट्रपति है, उसके द्वारा क्या किया गया यहाँ पे, उन्नत फ्रीगेट जो विंध्यनगिरी है उसका शुभारंभ किया गया। लॉन्चिंग की बात करते हैं 17 अगस्त 2023 का यहाँ पे इसका लॉन्च किया गया। और दोस्तों यहाँ पे फ्रीगेट्स का यहाँ पे निर्माण गार्डन जो रिच है फ्रीगेट्स, दोस्तों यहाँ पे उन्नत जो फ्रीगेट विंध्यनगिरी है उसका यहाँ पे निर्माण किसके द्वारा यहाँ पे गार्डन जो रिच जो शिपयार्ड है उसके द्वारा यहाँ पे निर्माण कोलकाता है गार्डन शिपयार्ड, गार्डन रिच जो शिपयार्ड उसका निर्माण किया गया। और 6 फ्रिगेट्स का दोस्तों यहाँ पे निर्माण किया गया जिनमें दोस्तों ये जो फोर्थ नंबर का था कौन सा था, फोर्थ नंबर का विंध्यनगिरी कौन से नंबर का था यहाँ पे, चौथे नंबर का था, पहला दोस्तों नीलगिरी था, दूसरा उदयगिरी, तीसरा तरंगिणी और फोर्थ नंबर कौन सा था विंध्यनगिरी यहाँ पे, तो फोर्थ नंबर दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा यहाँ पे किया गया, निर्मित किया गया, तो दोस्तों गार्डन रिच जो शिपयार्ड कोलकाता के द्वारा यहाँ पे इसका निर्माण किया गया। और 17 अगस्त को दोस्तों इसका लॉन्चिंग किया जाएगा 17 अगस्त को लॉन्चिंग किया जाएगा किसके द्वारा यहाँ पे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और दोस्तों कोलकाता इसका राइट आंसर होने वाला है, मतलब 100% आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला है यहाँ पे दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हाल ही में ब्रिटिश कालीन कौन से कानून में संशोधन हेतु यहाँ पे विधेयक लाया गया दोस्तों, कहाँ पे लाया गया विधेयक की बात करते हैं, लोकसभा में दोस्तों यहाँ पे लोकसभा में एक विधेयक लाया गया दोस्तों जिसमें क्या कहा है, ब्रिटिश कालीन जो कानून थे यहाँ पे दोस्तों उन कानूनों में संशोधन करने के लिए दो, तो ब्रिटिश जो भारत अधीन था, भारत ब्रिटिश के अधीन था उस समय जो कानून बनाए गए थे उनमें दोस्तों संशोधन करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे लोकसभा में एक विधेयक लाया गया। तो कौन कौन से वो कानून थे बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता आईपीसी दोस्तों यहाँ पे आईपीसी की बात हो रही है, यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे डी अर्थात उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता दोस्तों सभी में दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश कालीन जो कानून बनाए हुए थे उसमें आज तक कोई संशोधन नहीं किया है। लेकिन 2023 में दोस्तों यहाँ पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे लोकसभा में एक दोस्तों विधेयक लाया गया जिसमें इनमें संशोधन करने हेतु यहाँ पे सुझाव प्रस्तावित किए गए दोस्तों, लोकसभा में ये विधेयक पेश किया गया दोस्तों। 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ दोस्तों महिला और बाल अपराध से संबंधित वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनमें दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन होने वाला है दोस्तों नवीनतम अपडेट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किन दो राज्यों में पवन ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक है दोस्तों, हाल ही के दोस्तों भारत के दो राज्य कौन से बने हैं जहां पे पवन ऊर्जा की क्षमता यहां पे सर्वाधिक है, तो बात करते हैं केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश दोस्तों यहां पे क्या है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान, राजस्थान और गुजरात। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान और गुजरात इसका राइट आंसर होने वाला है कि राजस्थान और गुजरात में दोस्तों यहाँ पे दो राज्य बने हैं जिनमें दोस्तों क्या है पवन ऊर्जा, दोस्तों यहाँ पे पवन ऊर्जा की बात हो रही है, यहाँ पे पवन ऊर्जा की क्या है संभावनाएं, सर्वाधिक क्षमता यहाँ पे, सर्वाधिक क्षमता कहाँ पे पवन ऊर्जा की, राजस्थान और गुजरात में दो राज्य जिसमें पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है जिसमें दोस्तों राजस्थान और गुजरात इसका राइट आंसर होने वाला है। और बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि चीन, यहाँ पे भारत दोस्तों कौन से चौथे स्थान पर आता है किसमें पवन ऊर्जा में,
पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दोस्तों भारत चौथे स्थान पर रहता है, पहले स्थान पर चीन, यूएसए और जर्मनी के बाद दोस्तों यहाँ पे भारत यहाँ पे चौथे स्थान पर रहता है। कहाँ पे? ऊर्जा, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पहले स्थान पर चीन रहता है, दूसरे स्थान पर यूएसए रहता है, तीसरे स्थान पर जर्मनी रहता है और बात कर ले चौथे स्थान पर कौन रहता है यहाँ पे भारत दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ स्थान पर दूसरे तीसरे और चौथे स्थान पर यहाँ पे भारत रहता है। मतलब 100% दोस्तों एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, नवीनतम अपडेट्स के साथ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं 8 नंबर की, तो हाल ही में वार्षिक राष्ट्रीय स्मारक दोस्तों और पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस दिवस कब मनाया गया, तो बात करते हैं 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त और 14 अगस्त। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका, 14 अगस्त को दोस्तों, हाल ही में दोस्तों यहाँ पे 14 अगस्त को वार्षिक राष्ट्रीय स्मारक और पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया गया। तो दोस्तों बात करते हैं 14 अगस्त को मनाया गया और पहली बार दोस्तों कब मनाया गया, 2021 में दोस्तों पहली बार ये मनाया गया, कौन सा, पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया गया, 14 अगस्त को दोस्तों ये मनाया गया। और बात करते हैं यहाँ पे पहली बार दोस्तों 2021 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे मनाया गया और इस दिवस को मनाने की घोषणा की 2021 में दोस्तों, ये मनाने की घोषणा किसके द्वारा पे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई और 2021 में दोस्तों ये पहली बार मनाया गया। तो बात करते हैं 2023 में दोस्तों इसका कौन सा संस्करण था, तीसरा संस्करण था यहाँ पे जो मनाया गया, कौन सा, पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया गया और वार्षिक जो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में यहाँ पे मनाया गया। दोस्तों एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, दिवस से संबंधित ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, 9 नंबर की बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की दोस्तों नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम यहाँ पे कौन से स्थान पर रही दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे नवीनतम जो रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही, तो बात करते हैं पहला स्थान, पांचवा स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, तीसरा स्थान यहाँ पे भारत का कौन सा स्थान रहता है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर रहता है। पहले स्थान पर दोस्तों यहाँ पे नीदरलैंड रहता है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम का स्थान रहता है और तीसरे नंबर पर यहाँ पे भारत का स्थान रहता है। मतलब 100% दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम कौन से स्थान पर रही, तो तीसरे स्थान पर यहाँ पे भारतीय टीम रहती है। पहले स्थान पर नीदरलैंड रहता है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम और तीसरे नंबर पर भारत यहाँ पे रहता है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला क्वेश्चन है और बात करते हैं 10 नंबर, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे भारत उत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया दोस्तों। भारत जो उत्सव उसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तो बात करते हैं अमेरिका, पेरू, दुबई और जापान। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, दुबई इसका राइट आंसर है कि भारत जो उत्सव है उसका आयोजन कहाँ पे, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में यहाँ पे आयोजित किया गया। भारत उत्सव की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 15 अगस्त 2023 को यहाँ पे भारत उत्सव का आयोजन किया गया और आयोजन को दोस्तों कहाँ पे, दुबई में इसका आयोजन किया गया, जिसमें दोस्तों भारत की कला प्रदर्शनी का यहाँ पे आयोजन किया गया दोस्तों। यहाँ पे हस्तकला होगी, वस्त्र निर्माण कला होगी दोस्तों, यहाँ पे कुटीर उद्योगों से संबंधित यहाँ पे कलाएं होगी दोस्तों, या दोस्तों अन्य जो कलाएं हैं दोस्तों यहाँ पे उसकी कला प्रदर्शनी का यहाँ पे आयोजन किया गया। कहाँ पे दोस्तों, भारत उत्सव के अंदर जो जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया, दुबई में किया गया और 15 अगस्त 2023 का इसका आयोजन किया गया। मतलब 100% दोस्तों ये क्वेश्चन है तो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव का आयोजन शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तो दुबई में इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों। और दोस्त बात करते हैं 15 अगस्त 2023 को ये किया गया, इसका उद्देश्य क्या था कि भारत की जो कला प्रदर्शनी है उसका आयोजन करना दोस्तों। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले थे, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि दोस्तों अगर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके, आपकी एक भी क्लास मिस नहीं हो। यदि चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइबर तो बनता ही है और साथ ही यदि क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और उस क्लास को पढ़ सकते हो दोस्तों। रेगुलर करंट अफेयर की क्लासेस के लिए हमसे जुड़े दोस्तों, और नई वीडियो में नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।